अस्सलाम वालेकुम। तो चलिए आज फिर से हम बेबी बॉय की एक निशानी पर बात करते हैं। और अक्सर जो होता है ना, मदर और फैमिली मेम्बर सभी को बहुत एक्साइटमेंट होती है कि होने वाला बेबी क्या है, बेबी गर्ल है, बेबी बॉय है। तो बेटा बेटी दोनों ही समान होते हैं, फ़र्क बिल्कुल नहीं करना चाहिए, दोनों ही बहुत प्यारे होते हैं, बस एक फ़न वे में लीजिए। और अक्सर जो है हमारे घर की बुज़ुर्ग महिलाएं और जैसे हमारे रिलेटिव जो भी रहते हैं हमें देखते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कि हमारा मतलब बेबी बम देख के या जैसे भी मतलब पता लगाते हैं, बोलते हैं कि आपको ये होने वाला है, आपको वो होने वाला है। तो बस कभी कभी मतलब बातें सही भी निकलती है हमारे बड़े जो होते हैं उनकी, और कभी कभी मतलब उल्टा भी होता है, गलत भी साबित होती है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो भी है बेटा बेटी देना सब अल्लाह के हाथ में है। तो बस अल्लाह पर यकीन रखें। और चलिए वीडियो की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है सब और मेरी वीडियो आप सभी को अच्छी लगती है तो ऑल बेल के साथ ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगती है तो मेक श्योर लाइक का बटन ज़रूर क्लिक करें और मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर में भी शेयर करें, जो कि और भी मतलब प्रेग्नेंट महिलाएं होती है, सभी को होप होती है। तो बस उन्हें भी शेयर करें आपके फैमिली मेम्बर को। तो चलिए अब हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अक्सर कहा जाता है बेबी की पोजिशन को लेकर कि पोजिशन आपकी राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड है, तो आपको बेबी गर्ल है, बेबी बॉय है। और एक पोजीशन है जो कि मैं आपको उसके बारे में भी बता देती हूँ। ये पोजीशन अक्सर क्या होता है कि हमारा जब बेबी का मतलब मूवमेंट करना स्टार्ट होता है ना, तो तब हमारा बेबी जो है मूवमेंट करते करते जैसे ब्रिज बेबी जो कहते हैं, बहुत से आपने सुना भी होगा, तो ब्रिज बेबी में अक्सर कहा जाता है बेबी गर्ल होंगी, बेबी बॉय होंगी, आप बेबी बॉय होंगे, आपका क्या कहना है आप ज़रूर बताएँ। तो मैं यहाँ तो बेबी बॉय के सिम्टम बता रही हूँ, रियल सिम्टम बता रही हूँ, रियल अपना पर्सनली एक्सपीरियंस बता रही हूँ। तो मेरा जो बेबी था ना, आफ्टर 7 मंथ के बाद की जो मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ था ना, तो वहाँ पर मेरा बेबी ब्रीच बताया गया था। तो मुझे बहुत टेंशन हो गई थी कि ब्रीच कैसे है। तो बहुत सारे लोग मतलब अंदाजे लगा रहे थे, कह रहे थे, और मुझे भी ऐसा लगा ब्रीच बेबी। और मैंने भी यूट्यूब पर मतलब और गूगल पर सर्च किया कि क्या है ये, तो पता चला कि ब्रिज बेबी मतलब बच्चा आड़ा हो जाता है पेट में, तो इससे भी पता लगाया जा सकता है। तो मेरे को बहुत सारे लोग देखकर बोलते थे आपको बेटा होगा, यानी अक्सर जो बच्चा ब्रिज होता है ना पोजीशन में, हालांकि डिलीवरी के टाइम तक वो अपने पोजीशन पे आ गया था, बहुत टेंशन था हमें, तो सी सेक्शन का वैसे कोई नौबत नहीं आई। अगर आप नॉर्मल डिलीवरी का बोलोगे मतलब मैंने क्या की थी, तो मैं वो भी चीज़ आप सभी के साथ शेयर करूँगी अगले वीडियो में। तो बस ब्रिज बेबी से मैंने भी एक पता मतलब मेरे भी दिल में एक ऐसा ये हो गया था, क्योंकि बेटियों के टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था, मुझे लगा नहीं इस बार मुझे बेबी बॉय है जो मैंने कंसीव किया है। तो बस जो ब्रिज बेबी होते हैं ना, और मेरी भाभी भी थी रिसेंटली, मतलब मेरा बेटा होने के मतलब उनका 4-6 महीने बड़े हैं हमारे बच्चे, तो उनको भी मतलब अल्ट्रासाउंड में बताया गया था कि आपका बेबी ब्रीच है। उनको भी लास्ट के 7 से 8 मंथ के बीच पता चला था, और स्टार्टिंग से तो राइट हैंड ही लग रहा था, मतलब मोमेंट हलचल जहाँ मतलब बेबी ज़्यादा लगता था तो राइट हैंड था। और जैसे 7 मंथ और मतलब 8 मंथ पे हम आते हैं ना, कभी कभी हमारा बीच जो है ना बेबी मोमेंट हमें आड़ी ऐसी महसूस होती है, मतलब ब्रीच हो जाता है हमारा बेबी। तो ब्रीच बेबी को कैसे मैंने सीधा की थी और कैसे हमारी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, मैं ज़रूर आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो वो भी टिप्स मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। मैंने कुछ उपाय की थी और मुझे बहुत डर भी लग गया था, क्योंकि मेरे बाकी मतलब बच्चे जो है नॉर्मल है बेटियाँ, और मैं चाहती थी मेरा ये बेबी भी नॉर्मल हो। तो बस ब्रिज बेबी में अक्सर क्या होता है, सी सेक्शन ही होता है, और अक्सर क्या होता है कि ब्रिज बेबी की जो पोजीशन रहती है ना, वो आपने बेबी बॉय कंसीव किया, ये एक बहुत बड़ा सिग्नल होता है। तो आप भी ज़रूर मतलब ये करें, क्योंकि मुझे हुआ ब्रिज बेबी तो बेबी बॉय हुआ, ब्रिज पोजीशन पे था मेरा बेबी तो, और मेरी भाभी को भी सेम था, तो उनको भी मतलब ब्रिज बेबी था। तो मैंने अंदाज़ा लगा कि उनको वैसे पहले से ही बता दी थी कि आपको भी बेबी बॉय होने वाला है, क्योंकि अक्सर जो ब्रिज पोजीशन में बच्चे आ जाते 7 से 8 मंथ में, तो वो होते हैं बेबी बॉय। तो ये एक बहुत बड़ी निशानी है बेबी बॉय की कि आपके मतलब ब्रिज बेबी की पोजीशन बता देंगे, ब्रिज बेबी है आपका, तो
आपको बेबी बॉय होने वाला है। बच्चे तो वैसे बहुत प्यारे होते हैं, बेटा हो या बेटी हो, ऐसा कुछ ये नहीं है। जेंडर को मैं यहाँ पर ये नहीं कर रही हूँ, एक फ़न वे में लीजिए वीडियो को, और आप अपने भी सिम्टम और अपने भी मतलब आपकी भी जो प्रेगनेंसी है उसे इंजॉय करें। और बस प्रेगनेंसी की भी मैं कुछ टिप्स और ट्रिक आप सभी के साथ शेयर करूँगी कि ब्रीथ बेबी को मैंने मतलब ऐसी कौन सी एक्सरसाइज की थी या क्या की थी जो मेरा बेबी मतलब डिलीवरी होने तक बिल्कुल राइट पोजिशन पर आ गया था। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये थी मतलब एक बहुत बड़ी निशानी बेबी बॉय होने की। आप अपने एक्सपीरियंस भी मेरे साथ मतलब शेयर करें, और मतलब बहुत सारी डियर है जो मेरी सिस्टर मतलब वो ही कहूँगी मैं, तो उन्होंने भी अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर किए हैं। तो बहुत अच्छा लगा मुझे उनके कमेंट पढ़ के, उनका रिप्लाई दे के, क्योंकि हर किसी को होप होती है या ना, मतलब किसी को बेटी है तो उनको बेटा चाहिए, और जिनको बेटा है तो उनको बेटी चाहिए, तो एक सिग्नल भी हो जाता है, यानी ब्रीज बेबी है तो बेबी बॉय होने वाला है। अगर बहुत सारे लोगों को मतलब ब्रीज बेबी ऐसा कोई ये नहीं है, ये मेरा पर्सनल ये था, आप अपने तरीके से अपने ऊपर आजमाएं, मैं बस यही कहूँगी। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये जो कुछ टिप्स है ट्रिक्स है, मैं अपने पर्सनल जो है रियल सिम्टम एक्सपीरियंस आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, इसमें कुछ भी फेक नहीं है। और आगे आप प्रेगनेंसी से रिलेटेड कुछ टिप्स चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो वो भी मैं आपके सभी के साथ मतलब शेयर करूँगी। और वैसे भी आजकल सी सेक्शन जो है ना नॉर्मल मतलब नॉर्मल नहीं कहूँगी मैं, कॉमन बात हो गई है, नॉर्मल चीज़ में नहीं है, हर किसी का सी सेक्शन होता है, तो वो भी मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या करना चाहिए, और आप सभी अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करें। वैसे भी मैंने फर्स्ट वीडियो जो बनाई थी प्रेगनेंसी में, उसमें मैंने सारे मतलब बेबी बॉय होने की निशानियाँ बताई है, सिम्टम बताए हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बेबी बॉय होने के क्या सिम्टम होते हैं, तो वो भी आप चेकआउट करें, आपको एक समझ में आ जाएगा। और ये रहा यहाँ पर मेरा बेबी बॉय जो कि काफ़ी ज़्यादा मस्ती करने लगा है, अब एक साल मतलब वन ईयर का हो जाएगा माशाल्लाह से। तो वो बस ये रहा छोटा सा क्लिप मेरे बेबी बॉय का। वैसे आप मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियोस में देख सकते हैं मेरे बेबी बॉय को। तो चलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए जाते जाते वीडियो को, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और अपने जो है मतलब एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करें कमेंट बॉक्स में। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।